चुका हूँ नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों देख रहे हो आज तुम जो मैं दिखा रहा हूँ, ये फराना का नया मॉडल है। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बिल्कुल न्यू मशीन आई हुई है अभी, आज इसी के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। क्या क्या फ्यूचर दिए गए हैं कंपनी ने, वो सब आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देख सकते हो नया कलर दिया है इसमें, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। देखिए धर्राएं काट रही है, एस कंपनी का है, पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ पुराने मॉडल पर। ये देखिए बहुत ही शानदार मॉडल में है और बहुत ज़्यादा पहले से चेंज कर दिया गया कंपनी ने। ये देखिए देखने में भी अच्छी लग रही है, बिल्कुल अभी भी आई हुई है ये एजेंसी से, क्योंकि अभी पन्नी भी देखो सीट पे लगी हुई है। आज इसी के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ मैं, अंदर बोगी में जाऊँगा और इसके फ्यूचर के बारे में सब डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, जुड़े रहें मेरे साथ में और वीडियो को स्किप ना करें। अगर हाँ दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। रुको जरा, सबर करो। तो आइए चलते हैं बैक कैमरे से अंदर में दिखा देता हूँ क्या क्या फ्यूचर है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बोगी के अंदर, अब दिखाते हैं आपको। ये देखिए इधर मिल जाता है गियर हमें, जो कि एक फोर व्हीलर की तरह ही होता है सेम, और इधर में लोहा ही मिल जाता है। और ये देखिए पांच गियर हैं इसमें। और दोस्तों इसमें मैं दिखा दूं, ये पावर स्टीयरिंग है, टोटल इसके अंदर पावर स्टीयरिंग दिया गया है। और इधर वर्क करने के लीवर हैं, जो कि ये विंच का होता है उधर का, और ये एक्सटेंशन यानी कि आउट ऑफ बूम निकालने का होता है, और ये होता है बूम को डाउन अप करने का, ठीक है सब। सो और इधर बता दूं मैं तो ये क्लिच ब्रेक एक्सीलेटर, और इधर में मिल जाएगी आपको चाबी। तो दोस्तों आपको बात कर लेते हैं इसके पैनल की, पैनल में जो बटन दिखे इसके बारे में बताएंगे आप। हरे बटन का ये हॉर्न का है, ये दोस्तों ऊपर लाइट का है, और ये स्टार्ट करने का बटन है। और दोस्तों ये जो लाइट होती है, लाइट को सीधा करना है, ये पार्किंग का है। और दोस्तों ये तुम्हारी ये भी लाइट का है, लाइट मेन लाइट का, ये इंडिकेटर का है, और ये मिल जाएगा आपको वाइपर का शीशा साफ करने के लिए। और इधर आ जाएंगे, इधर आपको इधर एक ये पैनल बोर्ड मिल जाएगा, मीटर पैनल है, जिसमें कि स्पीड है मैक्सिमम 30 है। और इधर एक एलईडी मिल जाएगी, जो कि पीछे कैमरा लगा हुआ है, एक पंखा मिल जाएगा आपको। और दोस्तों यहाँ पर लाइट भी मिल जाएगी, जो कि पहली मॉडल में नहीं है, न्यू मॉडल में दिया गया है। और इसमें शीशा भी अप डाउन, मतलब शीशा विंडो खुल सकती है पीछे से भी और साइड से भी, ये बढ़िया सिस्टम है इसका। और ये सब ये आ जाता है आपका मीटर बोर्ड, ठीक है, जो आप लोड वगैरह उठाते हैं, कितना उठा रही है और कैसे है, कितना टाइमिंग, कितना वेट है, सब टोटल इसके अंदर निकल के आता है दोस्तों। और इसके और बात कर लेते हैं दोस्तों इधर में, ये देखिए मीटर सब आपको देखने के लिए इसके अंदर मिल जाएगा जैसे ही आप वर्क करोगे। ये इधर में इसका रेस का आ गया है, वो एक्सीलेटर है, ये रेस है यानी कि स्पीड है, स्पीड आपकी इसमें 60 भाग सकता है, 60 तक दे रखा है। और इधर में बात कर लेते हैं तो ये चार्ट आई है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का।